टच किचन में आपका स्वागत है। आज बना रही हैं पिज्जा सैंडविच। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। पिज्जा सैंडविच बनाने के लिए चाहिए पिज्जा सॉस। अगर आपके पास पिज्जा सॉस ना हो तो आप टमाटो केचप को भी यूज़ कर सकते हैं। पनीर महीन कटा हुआ, महीन कटी हुई शिमला मिर्च, कॉर्न उबली हुई या फ्रोजन कॉर्न, प्याज महीन कटी हुई, मोजरेला चीज़ ग्रेट की हुई, चिली फ्लेक्स, प्रोसेस चीज़, कुकिंग चीज़ ग्रेट की हुई, मक्खन, पिज़्ज़ा सीजनिंग, नमक और ब्रेड। एक बॉल लेंगे, बॉल में डालेंगे कॉर्न 2 टेबल स्पून, वन टेबल स्पून शिमला मिर्च, 2 टेबल स्पून प्याज महीन कटी हुई, पनीर महीन कटा हुआ 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, 1/4 टीस्पून के करीब, पिज़्ज़ा सीजनिंग 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के अनुसार, आपको जितना तीखा सैंडविच करना हो आप उस हिसाब से चिली फ्लेक्स को डाल सकते हैं। मिक्स कर देंगे सब चीज़ों को अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसी बॉल में डाल देंगे 2 टेबल स्पून प्रोसेस चीज, 4 टेबल स्पून मोजरेला चीज, 3 चीजें मिक्स हो गई हैं। सैंडविच टोस्टर को गर्म करने के लिए ऑन कर देंगे। 2 ब्रेड पीस लेंगे, ब्रेड के 1 पीस पर पिज्जा सॉस लगाएंगे। आप चाहें तो दोनों पीस पर भी लगा सकते हैं। ये घर की बनी हुई पिज्जा सॉस है, आप चाहें तो मार्केट से ला करके भी पिज्जा सॉस यूज कर सकते हैं। पिज्जा सॉस की रेसिपी देखने के लिए ऊपर आई पर क्लिक करके देखें और जो फिलिंग बनाई है उस फिलिंग को पिज्जा सॉस के ऊपर रख देंगे। ये सैंडविच बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चे स्कूल से आए फटाफट उनको 5 मिनट में बना के दिया जा सकता है ये सैंडविच। इस तरीके से दूसरी ब्रेड को ढक देंगे, ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे। बहुत ज़्यादा बटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सैंडविच टोस्टर गर्म हो गया है। अब सैंडविच को जो मक्खन की साइड है उसको नीचे की साइड इस तरीके से करके रख देंगे और ऊपर की साइड भी थोड़ा सा बटर लगा देंगे और सैंडविच को सेक लेंगे। सैंडविच को एक बार पलट देंगे और फिर से सेकने देंगे। चीज मेल्ट हो जानी चाहिए और ब्रेड ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जानी चाहिए। सैंडविच सेक करके तैयार है। सैंडविच को सैंडविच टोस्टर से निकाल लेंगे। कट करेंगे सैंडविच को। आप चीज अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। आपको ज्यादा चीज चाहिए तो आप ज्यादा चीज भी डाल सकते हैं। पिज्जा सैंडविच तैयार है। पुरानी वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।
और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इधर क्लिक करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और शेयर करें रेसिपी को। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू।